हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक दो बड़ी सूचना बीपीएससी के द्वारा आया है जो कि कल रात को बीपीएससी के पोर्टल पे उपलब्ध होगा। आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, bpsc.nic.in पे आप जाकर खुद जाकर देख सकते हैं। तो वो सूचना क्या है दोस्तों, चलिए आपको इस वीडियो में बने रहें, सभी जानकारी सभी तरह से आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सूचना के बारे में हम बता रहे हैं। जैसा कि पहले आपको पता था कि बीपीएससी के द्वारा 1-5 में जो अभी जो फेज 2 की बहाली था उसमें 94 सीट को लाया है, और 94 सीट में वो कैसा सीट था तो केवल दिव्यांग के लिए जो 9400 के करीब दिव्यांग का था, और बाकी जो था एसटी और एससी महिलाओं का सीट था। अब जो है दिव्यांग वाला जो सीट है उसको अब जनरल कर दिया गया है, यानी कि जो दिव्यांग को विलोपित कर दिया गया उसको हटा कर जनरल बना दिया गया है। अब जनरल बनाने के बाद में अब जो है 1-5 के भी जनरल यानी कि 914 सीट पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और सभी लोग उस सीट पर मार्क कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्म भरने के लिए तो कल अलाउ कर दिया गया है। अब क्या होगा कि ये जो लास्ट डेट है 14 नवंबर को जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट था, वो अब क्या किया जाएगा, अब उसको विस्तारित किया जाएगा, यानी कि अब उस डेट को और बढ़ाया जाएगा। क्या अब वो डेट जो बढ़ेगा केवल 1-5 के लोगों को भरने यानी फॉर्म अप्लाई करने के लिए बढ़ेगा या फिर सभी लोगों के लिए बढ़ेगा, ये तो बीपीएससी आयोग के ऊपर है कि अब क्या करेंगे। लेकिन ज़्यादा चांस है कि विस्तारित करेंगे तो सभी लोग के लिए करेंगे, क्योंकि एक लोग के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब क्या बात है कि सब दूसरा सूचना क्या है, दूसरा सूचना है कि 6-8 में जो बीसीए लोग जो किए हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी एक तरह का गुड न्यूज हुआ, ठीक है। तो चलिए दो सूचनाएं था बीपीएससी के द्वारा किया गया है। अब बात करें कि अब ये दोनों सूचनाओं से जो फॉर्म भरने के लिए जो बताया गया है विस्तारित होगा तो क्या एग्जाम डेट में प्रभाव पड़ेगा, तो एग्जाम डेट को प्रभावित नहीं किया जाएगा। जो 7 से लेकर 10 के बीच में जो एग्जाम डेट जो दिसंबर में बताया गया है उसको वही दिन में लिया जाएगा, लेकिन अभी जो फॉर्म भरने का डेट अभी तक विस्तारित नहीं किया गया है कि कब से बढ़ेगा। आज के डेट में कहीं सूचना आपको आ जाएगा कि कब से कब इस फॉर्म को जो फॉर्म को भरने के लिए कब से कब आपको डेट दिया जाएगा वो भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब सीटेट अपॉइंटिंग वालों का मौका जो था आज के समझिए कि आज कुछ होने का होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम का और बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम है लगभग डेढ़ महीने का फर्क है, तो इसे अब देखा जा रहा है कि अब उनका भी चांस खत्म है, इस बार सीटेट अपॉइंटिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1-5 में आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका 914 सीट है, सीट कोई कम नहीं है, 914 सीट बहुत सीट होता है, ठीक है। आप अपने आप के सीट पर ही आप देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो में इसमें हम एक चीज़ की सूचना देना चाहते हैं, अगर आप 6-8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर अभी तो उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से है, हम अभी पढ़ के बता देते हैं। बीपीएससी का जो रुकमणी का जो आया हुआ है किरण पब्लिकेशन का बुक है, 6-8 का है, ये गाइड है, ठीक है। इसमें टोटल कंटेंट को दिया गया है दोस्तों, टोटल कंटेंट कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी चैप्टर वाइज 6-8 तक का, प्लस एससीईआरटी चैप्टर वाइज 6-8 तक का, प्लस उसके पास एमसीक्यू दिया हुआ है यानी चैप्टर के सहित में, उसके बाद पूरा व्याख्या किया गया हुआ है यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है उसका व्याख्या किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा इतना मोटा पेज है, ठीक है। लमसम पेज की संख्या मैं बता दूं तो कितना इस बुक में पेजों की संख्या है, तो 447 पेज इसमें है, ठीक है। तो ये बुक जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा, और ये जितने भी ऑनलाइन जो टीचर लोग अभी जो पैक बेच रहे हैं, आप एक महीना में सोच लीजिए, आप खुद टीचर है तब आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक महीना में किसी का दम नहीं है कि आपका सिलेबस तैयारी करा ले, क्योंकि सिलेबस एक समुंदर है बीपीएससी का, आप इस बात को आप भली बात जानते हैं। इस बुक में आप अगर तैयारी कर ले सेल्फ स्टडी में, आपको एक महीना में आराम से इसको तैयारी हो जाएगा, और मैथ रीजनिंग तो आपका होगा ही पहले से ही, इसमें मैथ रीजनिंग टोटल चीज दिया हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं है। 6-8 में भी जो आपका जो है अलग बुक में 6-8 का जो आएगा मैथ रीजनिंग, इसमें केवल नहीं, इसमें आपको केवल दिया हुआ है चैप्टर में आपका सिर्फ SST का भी अब है, तो SST का ये केवल है, ठीक है। इसका मैथ का भी आता है तो मैथ का भी आप लेके रीजनिंग का भी लेके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कंटेंट ले लीजिएगा, आपको किसी का पैकेज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में 999 जो हम है ऑफिसर एकेडमी लोग जो 999 बेचते हैं, जो सचिन एकेडमी जो 1500-1400 रुपये लेके बेच रहे हैं, आपको एक महीना में कुछ तैयारी नहीं होने वाला है, ये बात समझ लीजिए। आप इस बात से खुद अनजान नहीं है,
आपको बस एक बुक लेना है और गहन तैयारी कीजिए, एकदम आराम से इसको पढ़ते जाइए और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि बैग देखिए, आप सोच लीजिए, एक वीडियो अगर आप देखते हैं, सपोज दैट क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको भी रीजन बता दें, एक वीडियो देखते हैं तो आपको 20 से 15 क्वेश्चन कराने में लगता है आपका 1.5 घंटा खा जाता है। आप वो बात को जो आप देख लीजिए क्वेश्चन की संख्या और कितना घंटा ले रहा है। अगर 1 घंटा अगर पढ़िएगा ना, हम गारंटी देते हैं इसमें का 10 पन्ना जरूर पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा बेजोड़ बढ़िया तरीके से। इसीलिए अभी आपको पैकेज का टाइम नहीं, हाँ पैकेज बेस्ट होता है लेकिन आपके पास समय होगा तब ना। 1 महीना के में आपके एग्जाम है, आप कितना कीजिएगा आप सोच लीजिए, 2400 घंटा आप थोड़ा ना पढ़िएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये बुक जो है ले लीजिए। ऐसा नहीं कि इस बुक के लिए हमको कोई स्पॉन्सर दिया है, ये बुक अच्छा लगा तो आपको बता रहे, बाद में कोई कमेंट में ना करने लगे कि आपको सर पैसा वैसा मिला है क्या इस बुक का प्रचार करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी इतना कम सब्सक्राइबर में पैसा कौन देगा, आप इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो बस अच्छा एक बुक है तो आपको बताना, हम सोचे कि इस बुक को आपको बताया कि हाँ ये बुक